चूतिए, ये जो चूतिया बनाना छोड़ दो लोगों को, समझ गए ना, 25-25 सौ रुपए करके। आपके पास दम है या नहीं दम है ये बताइए। यही बताना, तुम चूतिया हो, लोगों के पैसे लूट रहे हो साले गरीबों को, चूतिया हो तुम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों अगर आप लोग भी चाह रहे हैं अपने पुराने नोट्स एंड कॉइन्स को सेल करना तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि आप सभी के साथ बहुत ही बड़ा फ्रॉड और स्कैम हो सकता है, जिसके बदौलत आपके 2500 से 25000 रुपए तक का फ्रॉड हो सकता है, ठीक है ना। वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना, लाइव मैं किस तरह से एक फ्रॉड जो कॉइन बायर है उसके साथ बात किया हूँ, उसका लाइव आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। वीडियो की शुरुआत में जैसे आपने देख ही लिया है तो उसका कंप्लीट सीन, जैसे ही मैंने वो फ्रॉड बायर से बात किया वो सारा चीज़ आपको दिखाएंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा किस तरह से जो है कॉइन बायर के नाम का फेक कंपनी, फेक ऑफिस क्रिएट करके उन लोग जो है एक स्कैम चला रहे हैं, जिससे आप लोगों में से बहुत से लोगों का जो है नोट्स एंड कॉइन्स खरीदने के नाम पर फ्रॉड हो जाता है और आप लोग बेच भी नहीं पाते और आप सभी के साथ पैसे का धोखाधड़ी होता है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आप सभी में से कितने लोगों का इस तरह का फेक कॉल्स आया है, या फिर आप लोग किसी के पास कॉल किए हैं तो आप लोग को नोट्स एंड कॉइन्स खरीदने के नाम पे रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह आप लोग दे चुके हो या फिर कुछ लोग मांग रहे थे। ये चीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस तरह के फ्रॉड में आप लोग फंसे हैं या फिर कौन कौन फंसे, ये चीज़ आप लोग ज़रूर मेंशन करिए और हो सके तो उस फ्रॉड का नंबर भी वहाँ पे कमेंट में डाल दीजिए, ताकि और भी लोग उसको फ़ोन करके परेशान करें। बेसिकली हुआ ये, मुझे एक फ्रॉड नंबर मिला, जैसे मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ था, मेरा एक कॉइन बायर कंपनी हूँ और मेरा नंबर ये है, आप लोगों का नोट्स एंड कॉइन्स सेल करना है तो मेरे इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए। मैंने उस नंबर पे कॉल किया तो पहले दिन तो जैसे ही मैंने कॉल किया तो वो नंबर पे बात होता है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में लगता है, उसके बाद बोलता है कि आपका नंबर एंट्री कर लिया गया और कल 9 से 10 बजे के बीच में सुबह आपके पास हमारे जो एजेंट है उसके थ्रू कॉल आ जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, तो नंबर एंट्री कर लिया। उसके बाद कल ही जैसे कि मैंने बात किया था तो एक दिन बाद फिर मेरे पास कॉल आता है। कॉल आने के बाद जो है जैसे कि मैं मॉर्निंग में करीब 9:30 बजे कॉल आता है, तो मैं उस टाइम कैमरा वगैरह सेट नहीं होता है तो रिकॉर्ड नहीं हो पाता, इसी वजह से मैंने उसको झूठ बोल दिया कि मैं व्रत कर रहा हूँ, अभी मैं बात नहीं कर पाऊँगा। तो वो बोला कि सर जैसे आप फ्री होते हैं आप खुद ही कॉल बैक करिए। तो मैं जो है कि यहाँ पे कैमरा वगैरह सेट करके आफ्टर 10-10 मिनट्स मैंने उसको कॉल लगाया और ये सारा वर्क किया होगा। तो किस तरह से उन लोग जो है आपके, सिर्फ ये बोलते हैं ना सिंपली कि आपके पास जो भी नोट्स एंड कॉइन्स है उसका फोटो इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके बाद 2 कॉपी फ़ोटो, पासपोर्ट साइज, ये सारा चीज़ मांगेंगे। फिर बोलेंगे कि रजिस्ट्रेशन करना है, 2500 रुपये का रजिस्ट्रेशन चार्ज चुकाना पड़ेगा। उसके बाद ये जो फोटो आप भेज रहे हो वो सारे RBI के पास जाएगा और RBI जो है आपको फिर सेंड करेगा एक रेट कि आपके जो भी नोट्स हैं उसके कितने प्राइस हैं, और उस पैसे को आफ्टर 30 मिनट्स दे भी दिया जाएगा आपको, और 24 घंटे के अंदर आपके पास उनके एजेंट आएगा और वो नोट्स एंड कॉइन्स कलेक्ट करेगा। तो ये इनका प्रोसेस है जो कि बिल्कुल फर्जी तरीका। नोट्स एंड कॉइन्स सेल करने के लिए कोई भी रुपए का चार्जेस देना नहीं होता है, तो इस तरह से आप लोग बचिए। अभी पूरे कॉल रिकॉर्डिंग को डिटेल से सुनिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो अब देखिए पूरा एंड तक। कॉल लग गया, अब देखते हैं उठाने के बाद किस तरह से बातचीत होती है। सर मुझे अपना ओल्ड कॉइन्स एंड नोट्स सेल करना था। आपका नाम बताइए सर। सर मेरा नाम दीपक है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ फिलहाल। अच्छा ठीक है सर, आपका नाम और नंबर एक वेट कर दिया जाता हूँ जी, और आप 24 आवर वेट कर लीजिए, 24 आवर के अंदर हमारे अधिकारी आपसे कॉल करके जानकारी देंगे। सर मतलब ऐसे मेरे पास कौन से नोट्स कॉइन्स है ये आपको बताने नहीं पड़ेंगे? वो कल के डेट में आपको कॉल करेंगे ना, तो उनसे जानकारी दे लीजिएगा। अच्छा मतलब 24 घंटे में कॉल आएगा मेरे पास? यस सर। यस सर वैसे आप कुछ भी जानकारी नहीं देंगे क्या, जैसे कि नो 24 घंटे के अंदर कब तक आएगा एक बार बता देते हैं आप, जैसे कि मैं ऑफिस भी जाता हूँ तो। सर मुझे आज आप अगर बता पाते आज ही तो। अच्छा तो आप लोग देख सकते हो 24 घंटे का टाइम दिया मेरे को, यानी कि कल के डेट में मेरे पास कॉल आएगा, तो उस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, कोशिश करूँगा रिकॉर्ड करने के लिए। तो कल का डेट में जब कॉल आएगा ना, तो फिर आप लोगों को दिखाएंगे किस तरह से इन लोग मतलब फ्रॉड करके नोट्स एंड कॉइन्स के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करते हैं, ठीक है ना। तो ये जैसे कि गूगल पे मुझे नंबर मिला, ओल्ड कॉइन सेल सर्च किया था मैंने गूगल पे, तो वहाँ पे ये नंबर आया था, ठीक है ना। तो उस पे कॉल किया तो ये चीज़ें दिखा रहा है। तो अब बात आती है कि कल जब कॉल आएगा तो क्या इन लोग कहते हैं, किस हद तक इन लोग गिरेंगे और क्या क्या तरीका अपनाएंगे पैसे हड़पने का, ये सारी चीज़ें दिखाएंगे, जिससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा समझने के लिए और आप लोग आगे से ऐसी गलती ना करोगे, ये मुझे ऐसा लग रहा है। तो कल का डेट में वीडियो जो होगा वो रिकॉर्ड करेंगे।
ये नेक्स्ट डे हमने कॉल लगाया, तो अभी देखते हैं ये उठाने के बाद क्या बताता है। कॉल लग गया। हेलो, यस सर, आपने कॉल किया था थोड़े पहले सर। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, मैं ओल्ड पॉइंट सेलर ऑफिस में बात कर रहा हूँ सर। आपने हमारे ऑफिस में कोई कॉल किया था ना कॉइन ऑफ एंसेस सेल करने के लिए। जी जी सर। जी सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? सर दीपक। कहाँ से बात कर रहे हैं दीपक जी? सर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से जी। मैं बताना चाहूँगा सर कि आप यहाँ शेयर करना चाहते हैं तो ये ऑफिस का सिर्फ व्हाट्सएप नंबर चलती है जी। इसी नंबर पर आप अपना पैन का फोटो सेंड कीजिए। सेंड करने के बाद आपको यहाँ से RBI की यहाँ फॉरवर्ड की जाएगी। वहाँ से जो भी रेट आती है वो आपके व्हाट्सएप पर मैसेज कर दी जाती है। वो रेट आपको पसंद आएगी सर तो आप अपना एक 1 पासपोर्ट साइज फोटो, एक आधार कार्ड और अकाउंट डिटेल्स आप सेंड कीजिएगा। सेंड करने के बाद सर आपको एक रजिस्ट्रेशन करवानी होती है 2500 रुपीज का। आप वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, करवाने के बाद सर आपको 20 से 30 मिनट के अंदर आपके अकाउंट पर क्रेडिट कर दी जाती है सर, जो आपका कॉइन का वैल्यू होती है सर। जब मतलब, आपके मतलब बिना 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 नोट्स को लिए ही आप लोग पैसे दे दोगे क्या? क्या सर? नोट्स और कॉइन्स को बिना लिए ही पहले पैसा दे दोगे क्या हमें? पहले आपका अकाउंट पर पैसे जाएगा, उसके बाद सर आपको 24 आवर के अंदर हमारे ऑफिस से टीम जाएगी आपके घर एड्रेस पर पैन कलेक्ट करने के लिए। अच्छा, तो आपने एक बार थोड़ा सा डिटेल में समझाएंगे क्या क्या बोले आप? इतना तेज बोल दिए कि कुछ समझ में नहीं आया। मतलब आधार कार्ड चाहिए, पासपोर्ट फोटो और बैंक डिटेल। यस। और ये जो है रेट कौन डिसाइड करेगा? पहले आप पूरी अच्छी तरह से सुन से समझिए, ठीक है? आप आराम से बोलिए सर, बहुत तेज बोल रहे हैं। सर जी, आपने सेल करना चाहेंगे तो ये ऑफिस का सेम व्हाट्सएप नंबर चलती है। हाँ, व्हाट्सएप नंबर चलती है। इसी नंबर पर सर आप अपना कॉइन का फोटो सेंड कीजिए। सेंड करने के बाद सर आपको 10:30 बजे आपको वहाँ से RBI के आपका यहाँ से कॉइन भेजी जाती है, तो 10:30 बजे आपको वहाँ से रेट फाइनल हो के आएगी जी। तो आपके व्हाट्सएप पर मैसेज कर दी जाएगी सर। जी जी, ठीक है, मैं समझ गया। तो ये वैसे आप लोग का कहीं ऑफिस वगैरह तो कंपनी वगैरह तो होगा ना सर? आप लोग कंपनी कहाँ पे है जानना तो चाहिए ना। वेस्ट बंगाल कोलकाता कालीघाट। अच्छा, कोलकाता कालीघाट में आप लोग का ऑफिस है या कंपनी है ये? ऑफिस। तो आप लोग का कोई कंपनी भी तो होगा सर? नो। अच्छा, ऑफिस है। तो मैं कह रहा था ना कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितने पैसे देने पड़ेंगे? 2500 रुपीज। अच्छा, तो मतलब ये पैसे फिर बाद में वापस होंगे या फिर ये आप लोग रख लोगे? ये आपका पैसा वापस नहीं होती है सर, ये आपका ओल्ड पॉइंट सेलर ऑफिस और RBI के बीच में आपको एक रजिस्ट्रेशन करवानी होती है 2500 रुपीज का। आप वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, करवाने के बाद सर आपको 20 से 30 मिनट के अंदर आपके अकाउंट पर क्रेडिट कर दी जाती है, जो आपका कॉइन का वैल्यू होती है। जब आपके अकाउंट पर क्रेडिट हो जाती है तो हमारे ऑफिस से 24 आवर के अंदर टीम जाती है आपके घर एड्रेस पर। वो आपका फाइनल जो रजिस्ट्रेशन पेपर जो होती है ना, वो पेपर आपके पास लेके जाएंगे। वो पेपर को आपको दिखाएंगे और वहाँ पर आपसे कॉइन का नंबर मैच करके वो लेके चले आएंगे। एक बात बताइए मेरे को, ये जो सारे नोट्स एंड कॉइन्स है वो आप लोग आके मेरे पास से कलेक्ट करोगे, है ना? तो एक काम नहीं कर लेते हैं कि जो 2500 रुपए आप मेरे से रजिस्ट्रेशन का लोगे, वो मेरे नोट्स कॉइन्स जो आप लोगे उसमें जो पैसे दोगे उसमें से काट लेना पैसा को। सॉरी सर, ये आप लोग नहीं कर सकते। जो आपका कॉइन का वैल्यू होती है वही आपका मिलेगी सर, लेकिन आपको पहले ऑफिस के तरफ से RBI के तरफ से आपको एक रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब है जो कॉइन एग्जीबिशन लगते हैं, ऑक्शंस होते हैं, उसमें तो सर जी ऐसा बात रहती है तो हम आपको ये बात नहीं बताते। आप मेरा बात तो सुन लो, काट की जाती है। आप बात तो सुन लो, ये जो ऑक्शंस होते हैं या फिर जो कॉइन एग्जीबिशंस होते हैं वहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन का कोई चार्जेस नहीं लगता है नोट्स एंड कॉइन्स सेल करने के लिए, तो आप लोग ये क्यों ले रहे हो? सर जी नहीं, जहाँ नहीं लगती है, जहाँ आप सेल कीजिए सर, आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमारे भी ऑफिस में सेल कीजिए। अच्छा, तो मतलब इस तरह के आपके तरह ढेर सारे ऑफिस हैं क्या, और भी लोगों का? क्या सर? आपके जैसे ऑफिस है उस तरह का ऑफिस और भी लोगों के हैं क्या? Yes,
तो ये 2500 रुपए आप लोग ले रहे हो, उसके बाद नोट्स एंड कॉइन्स तो आप लोग के पास जाएगा नहीं कभी। तो ये 2500 रुपए आप लोग जो इकट्ठा कर रहे हो ना, ये जो स्कैम चला रहे हो, फ्रॉड चला रहे हो, इसके ऊपर बहुत जल्दी आप लोगों के ऊपर रेट पड़ने वाला है, क्योंकि मैं पर्सनली इसका कंप्लेन करने वाला हूँ पुलिस स्टेशन में। और ठीक है ना, फास्ट से जाइए, अभी जाइए, फास्ट से जाइए सर। इतना तेजी में नहीं है, हम टेंशन ना लो। आप 10 मिनट लोगों का 2500 रुपए का चूना लगवा रहे हो यार, मेरे भाई बताओ। 2500 का क्यों लोगों का चूना लगवा रहे हो, ये बताओ तुम ये बताओ, नोट्स कॉइन सेल करने के लिए कौन बोलता है कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ये बताओ मेरे को। तुम्हारा कंपनी का कोई डेटा है, कोई डेटा, कुछ डॉक्यूमेंट प्रूफ है तुम्हारी कंपनी का? सॉरी सर, अब आपको नहीं कोई प्रूफ दे सकते, आपको फ्रॉड लगती है तो आप जाके नहीं नहीं तुम बताओ ना, तुम बताओ ना, तुम्हारे कोई कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट है? अरे माधर, तुम साले, तुम्हारे जैसे बहुत आए गए, ऐसे फाड़ूंगा ना मैं तुम्हारे, लोगों का चूतिया बनाना छोड़ दो, समझ गए? अरे अबे चूतिए, ये जो चूतिया बनाना छोड़ दो लोगों को, समझ गए ना, 2500 रुपए करके। आपके पास दम है या नहीं दम, ये बताइए। यही बताना, तुम चूतिया हो, लोगों के पैसे लूट रहे हो साले गरीबों को, चूतिया हो तुम। काट दिया। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो, लाइव आपके सामने हमने दिखाया इनसे बात करके, इनका नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग इसमें भर भर के गाली दे सकते हो, ठीक है ना, भर भर के गाली दो इनको। ये सारे फ्रॉड वाले हैं, यानी कि जब आप कॉल करोगे तो ये क्या होता है ना, बेसिकली इनका दो नंबर है, एक नंबर है पहले कॉल करोगे तो उसमें क्या होता है कि आपको टाइम देते हैं कि आपका नंबर एंट्री कर लिया गया और कल 9 से 10 बजे के बीच में आपके पास कॉल बैक आएगा, ठीक है। तो आज उसी तरह से मेरे पास कॉल बैक आ गया है, आने के बाद मैं अभी जैसे कि कैमरा वगैरह सेटिंग नहीं था तो मैंने उसको बोला कि मैं ब्रश कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर बाद बात कर पाऊँगा, तो बोलते कि आप ठीक है, खुद जैसे फ्री होते कॉल बैक करिए। तो मैं यहाँ पे कैमरा माइक वगैरह लगा के सेट करके उसके बाद मैंने उसको कॉल किया, तो यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड जो भी हुआ आप लोग देख सकते हो। तो इसी वजह से नोट्स एंड कॉइन सेल करना है आप लोग डायरेक्ट किसी को करिए, उसके नाम पे किसी को भी रजिस्ट्रेशन फीस देने की एक भी रुपये ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्शंस एग्जीबिशंस या फिर कोई भी अगर आपका नोट्स एंड कॉइन्स खरीदता है तो वहाँ पे एक भी रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं होती है कोई भी रजिस्ट्रेशन के नाम पे। तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए था आप लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि आप लोगों के बहुत से लोग इस तरह के झांसे में पड़ जाते हैं और जो है अपने नोट्स एंड कॉइन्स सेल करने के नाम पे 2500, 3000, 5000, 10000 तक का रजिस्ट्रेशन फीस दे देते हैं, जो कि बिल्कुल फ्रॉड है। तो ये सारे लोग फ्रॉड है, इन लोगों से जरूर बचिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।